आज हमारी कैंपिंग का थर्ड डे है और अभी हम लोग सुबह उठे हैं और रात को बहुत ही अच्छी नींद आई है। बहुत सुकून से सोए, कोई बारिश नहीं थी, कोई शोर शराबा नहीं था, बहुत पीसफुल था। और हम जैसे कि आप देख सकते हैं, हम लोग वॉशरूम आए थे फ्रेश होने के लिए। इसके बाद नाश्ता करेंगे और फिर आज हमारा बीच पे जाने का प्लान है और ये हमारा लास्ट डे है, तो हमें चेकआउट 2 बजे करना है और अभी बज रहे हैं आई थिंक 9:30 हो रहे हैं, और 9:30 हो रहे हैं, और नाश्ता करके बीच पे जाएंगे। ऑफिस के बाद अपनी पैकिंग करेंगे, टेंट्स वगैरह अपने सारे फोल्ड करके, और फिर हम लोग घर के लिए रवाना होंगे। लच्छे वाले, बिल्कुल सही कहा, लच्छे वाले पराठे। और ये हमारी टिक्का बोटी बची हुई, तो हम इसको भी पराठों के अंदर यूज़ कर सकते हैं। और हमारे पास कबाब भी बचे हैं कल के, तो कबाब को भी हम अपने पराठा रोल बना के खाएंगे। हाँ, रात में नहीं थे ना, गाड़ी चले गई। बेस्ट कैंपिंग एवर, पराठों का नाश्ता, नॉट फ्रोजन, ताज़े फ्रेश। हमारे पराठे रेडी हो गए हैं और हम लोग करने जा रहे हैं नाश्ता विद कबाब्स एंड बोटीज। पराठे के साथ अंडा और एक और अंडा, कबाब एंड रोल विद पराठा, अमेजिंग। ये देखें पराठे, पराठे के अंदर गया कबाब और ये रोल होगा अब, और ये सब कुछ आपको मिलेगा कुदरत की ये खूबसूरत मंजर के साथ। ज़िंदगी घर में बैठ के गुजारने की नहीं है, कुदरत की बनाई हुई जगहों पे जाके एंजॉय करें और मज़े करें, जैसे कि हम कम भी अपने कबाब रोल के साथ कर रहे हैं। अच्छा, कैंपिंग टिप है एक, जो लोग मोस्टली कैंपिंग करते हैं उनको तो पता ही होगा, मगर फिर भी अगर कोई न्यू कैंपर्स है तो उनके लिए बता दूँ। ये फ्लाइज कैच करने के लिए ट्रैप है, ये आपको मोस्टली डॉलरामा में भी मिल जाता है आराम से, $2 में आई थिंक, उसके अंदर 4 या 5 होते हैं, तो ये आप ज़रूर लगाएं अपने टेंट में, क्योंकि इससे ये होता है कि अगर कोई मच्छर या मक्खी आपके टेंट में आ गई है रात को, बहुत तंग करेगी वो आपको, तो ये लगे होने से ये होता है कि वो इसके ऊपर स्टिक हो जाती है, तो और इसी के ऊपर रहते हैं, तो ये फ्लाइज के लिए ट्रैप है, तो इसको ज़रूर यूज़ करें, बहुत यूज़फुल थिंग है। हमने अपने दोनों टेंट्स में भी लगा दिया, और जो हमने किचन वाला टेंट बनाया है उसके अंदर भी लगाया, क्योंकि उसमें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि वहाँ पर खाना पीना है, तो फ्लाइज अगर वहाँ पर जा रही हैं तो सारी उसी के ऊपर स्टिक हो रही है, तो ये बहुत स्टिकी होता है, तो इसके ऊपर फ्लाइज ख़ुद ब खुद आ जाती हैं। अब आई डोंट नो कि इसकी स्मेल इस तरह की है इसलिए आ जाती है, या वो किसी और वजह से इसके ऊपर ट्रैप होती है, मगर हमारा काम हो जाता है, तो बहुत यूज़फुल है, ज़रूर लीजिए। ये देखें ब्लू जेस आपके सामने, बहुत ही खूबसूरत परिंदा है। वैसे ये टिप तो मैंने पहले भी अपनी कैंपिंग वीडियोस में दी है, मगर अगेन दोबारा से रिमाइंड करा दूं कि कैंपिंग अगर करें कम से कम एटलीस्ट 2 नाइट्स की तो होनी चाहिए, क्योंकि पहला दिन सिर्फ सेटलिंग में निकल जाता है। अगर 1 डे की कैंपिंग करेंगे आप तो उसके अंदर इन्जॉयमेंट बहुत कम हो जाती है, क्योंकि आप बहुत टायर्ड हो जाते हैं, इतना बड़ा सेटअप आप कैंप अपना टेंट वगैरह सब लोग आप लगाते हैं सारा सेटअप करने के बाद, और नेक्स्ट डे ही आपको उसको दोबारा खोलना पड़ता है, तो नॉट वर्थ इट। तो कोशिश यही करें कि हमेशा मिनिमम दो दिन की कैंपिंग रखें। ये है वो ट्रैप फ्लाइज के लिए, इसके अंदर 4 हैं, मैं आप लोगों को 5 बोल रहा था, मगर इसके अंदर 4 रिबिन्स आती हैं फ्लाई कैच करने के लिए, और ये डॉलर हमारे से $2 का मिल जाता है, वेरी यूजफुल थिंग।
तो हमारे जाने का टाइम आ गया है, हम लोग अपनी पैकिंग स्टार्ट कर दिए और ये हमारे टेंट्स बाकी हैं अभी, इनको सबको हमें डिसमेंटल करना है और पैकिंग करनी है। जाने का दिल तो नहीं चाह रहा मगर जाना तो पड़ेगा। तो हमने अब कर लिया है पैकअप और हम लोग जा रहे हैं और ये जगह छोड़ के यहाँ हमने 2 दिन स्पेंड करे हैं, बहुत मज़ा आया और अब हम यहाँ से रवाना हो रहे हैं। अब हमारा बीच का प्लान था, वैसे तो हमने वो बीच का प्लान कैंसिल कर दिया क्योंकि लेक का पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रहा था तो हमें वो सही नहीं लगा। अब हम जा रहे हैं वापस अपने घर की तरफ, मगर उसके बीच में एक स्टॉप है एजैक्स में, एक पार्क है रोटरी पार्क, तो हम लोग वहाँ पे जाएंगे, थोड़ी देर वहाँ पे रुकेंगे और देखते हैं वहाँ पे क्या फन एक्टिविटी कर सकते हैं हम लोग, तो वो करके उसके बाद हम घर के लिए रवाना होंगे। तो चलिए हमारे साथ। तो ये था हमारा ट्रिप और हम लोग अब जा रहे हैं, दूसरे लोग आ रहे हैं, इनकी कैंपिंग स्टार्ट है और हमारी कैंपिंग का एंड है। हमने बीच का प्लान कैंसिल कर दिया क्योंकि ठंड थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी और लेक का पानी बहुत ठंडा था, उसके बदले हम लोग यहाँ पे ले आए बच्चों को। तो यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा तीसरा और आखिरी दिन हमारी कैंपिंग का, और इस खूबसूरत और प्यारे से मंज़र के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी किसी और व्लॉग में। अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़।